अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मोडल वर्ब्स। मोडल वर्ब्स भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, जैसे हमने पीछे ऑक्सिलियरी हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में पढ़ा था। मोडल वर्ब्स को हम ऑक्सिलियरी हेल्पिंग वर्ब्स कह सकते हैं, बट ऑक्सिलियरी वर्ब्स को हम मोडल वर्ब्स नहीं कह सकते, बिकॉज मोडल वर्ब्स ऐसी फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं जिनके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है मेन वर्ब की, और जबकि ऑक्सिलियरी वर्ब्स जो हैं हेल्पिंग वर्ब्स, इनके साथ मेन वर्ब की अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू टेंस कोई भी फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो आ सकती है। नाउ अबाउट मोडल वर्ब्स, मोडल वर्ब्स आर मोडल्स और ऑक्सिलियरी वर्ब्स विच मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ अ मेन वर्ब। दे आर यूज्ड टू सजेस्ट सर्टेनिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन, ड्यूटी एटसेट्रा। मोडल वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं? विल, कैन, कुड, मे, माइट, will, would, shall, should, must, have to, and ought to। और ये modal verbs, इनके जो एक specific situation होती है उसके according हम इनको use करते हैं। For example, हमारे पास है will, जमीला will return the book tomorrow। यहाँ पे will जो है वो describe कर रहा है prediction, कर रही है prediction को और certain fact को। Next sentence है हमारे पास, जमीला may return the book tomorrow, पॉसिबल बट नॉट सर्टन, यानी पॉसिबिलिटी है कि ये काम हो सकता है या नहीं हो सकता है, बट सर्टनिटी नहीं है। नेक्स्ट है शुड, जमीला शुड रिटर्न द बुक टुमारो, अ ड्यूटी और ऑब्लिगेशन, यानी शुड जो है वो रिप्रेजेंट करती है वर्ब ड्यूटी को या ऑब्लिगेशन को। इन द सेम वे, जमीला शैल रिटर्न द बुक टुमारो गिविंग एन ऑर्डर। ये सारे एग्जाम्पल्स जो इनसे रिलेटेड हैं। नेक्स्ट है मस्ट और वुड। मस्ट जब एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, जमीला मस्ट रिटर्न द बुक टुमारो गिविंग एन ऑर्डर और सेइंग दैट इट इज नेसेसरी, यानी मस्ट ऐसे ऑर्डर के लिए यूज की जाती है जिसमें इस बात पे फोकस किया जाए कि ये बात बहुत नेसेसरी है। वुड यूज किया जाता है एक कंडीशनल प्रेडिक्शन के लिए। नेक्स्ट इनकी एग्जाम्पल्स हैं और इसमें नेक्स्ट बेटा मे, माइट, कैन और कुड, ये वो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, मोडल हेल्पिंग वर्ब्स हैं जिसमें व्हेन वी वांट टू से दैट समथिंग इज पॉसिबल बट नॉट सर्टन, जैसा कि मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है शुड और ऑट। शुड और ऑट टू जो हैं, टू से दैट समथिंग इज अ ड्यूटी और इज द राइट थिंग टू डू, यानी जो काम किया जा रहा है वो एक ड्यूटी है या राइट थिंग है करने के लिए। नेक्स्ट है कैन, कुड, वुड, इनको यूज किया जाता है रिक्वेस्ट के लिए, कमांड्स के लिए, क्वेश्चंस के लिए। नेक्स्ट है बेटा मस्ट और हैज, हैव नो, हैव टू। मस्ट और हैज और हैव टू जो है, इनको हम यूज करते हैं किसी बात की नेसेसिटी को शो करने के लिए कि ये काम जो है बहुत कंपल्सरी है, बहुत नेसेसरी है। जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल है, आमिर मस्ट लर्न टू वर्क फास्टर। नेक्स्ट है द गवर्नमेंट हैज टू डू समथिंग अबाउट द पावर सिचुएशन। अब इससे रिलेटेड नीचे एक्सरसाइज है, क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोर सुटेबल मोडल वर्ब्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट में मोडल वर्ब्स दी हुई है, इनमें से जो सूटेबल है उसको आपने सिलेक्ट करके ब्लैंक को फिल करना है।